हाँ दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। अभी हम खड़े हुए हैं गौ घाट पे और अभी सुबह के 8:11 हुए हैं और 23 अगस्त है आज। और अभी हम आ चुके हैं घाटों पे और पूरे घाटों का दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं, ये है पूरे घाटों का दृश्य। और जब हरिद्वार आते हैं आपको तो अभी जो भीड़ है वो नॉर्मल मिलेगा, लेकिन शनिवार और रविवार को भीड़ अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भीड़ है वो होता है रविवार और शनिवार को। बारिश हुआ है, बारिश के बाद हकार पूरा देख रहे हैं, पूरा गीला है और तेज धूप अभी आ रहा है। जस्ट तेज धूप, अभी तक तेज धूप नहीं था, मौसम काफी अच्छा था। ये हम आ चुके हैं शिव घाट पे, देख रहे हैं माँ गंगा में काफी सारे चीजें बह के आ रहे हैं। काफी ज्यादा रेत मिट्टी है माँ गंगा में। अभी ऊपर पहाड़ों से देख रहे हैं, इतनी शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है उड़ते हुए धुआं का। शिव घाट में आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आपको यहाँ पे पूजा पाठ के लिए मंदिर मिल जाएगा, हाँ दूसरा है चेंजिंग रूम की सुविधा काफी अच्छी है यहाँ पे, और तीसरा है यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे। खासतौर पर जब भीड़ ज्यादा हो या फिर धूप ज्यादा हो तो यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा होते हैं। हर हर महादेव। ये देख रहे हैं, ये है शिव घाट। काफी तेज है माँ गंगा की जल की धारा और ऊपर पहाड़ों में तो रौद्र रूप है माँ गंगा की। यहाँ पे तो खैर ठीक है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है, पूरा जल भरा हुआ है, देख रहे घाटों पे। घाटों में जब जल भरा होता तो फिसलन काफी ज्यादा होता, संभाल के चले आप। देख रहे हैं, ये हम आ चुके हैं शिव ब्रिज के नीचे। ये जो ब्रिज है इस नाम है शिव ब्रिज। काफी सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है, माँ गंगा के बहरे जल की धारा और ऊपर पहाड़ों से निकलते हुए धुआं। देख रहे हैं बारिश के बाद कुछ इस तरह के अद्भुत सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। और ऊपर पहाड़ों में जाएंगे जैसे मसूरी में तो पूरे दिन ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, कोहरा। काफी अद्भुत नजारे होते हैं। अच्छा, हमने मसूरी का और हमने अपलोड कर रखा है वीडियो वृंदावन मथुरा का, तो आप जाके जरूर देखें और दर्शन करें, काफी अद्भुत दर्शन होंगे। देख रहे यहाँ से अर्की बेड़ी नज़दीक है, लगभग 300 मीटर होगा। और यहाँ से मनसा देवी आप देख रहे हैं। मनसा देवी के लिए दो मार्ग है, एक तो पैदल मार्ग है, एक रोपे का। रोपे आप देख रहे हैं ट्रॉली चल रहा है, देख रहे हैं ट्रॉली है ये। ट्रॉली से अगर जाएंगे आप मनसा देवी के लिए तो 129 रुपये पहले था, अब 199 रुपये हो गया किराया। और लोग यहाँ पे देख रहे खड़े हुए हैं कुछ लोग। ये पैदल मार्ग है, यही मार्ग प्रमुख है ऊपर मनसा देवी जाने का। और यहाँ से जो मनसा देवी का जो पैदल मार्ग ट्रैक है मात्र हर की पैड़ी से 300 मीटर है, आप आराम से वहाँ पैदल जाके पैदल ट्रैक अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सीढ़ियों की बात कहे तो 832 सीढ़ी है। देख रहे कभी कभी भीड़ ज़्यादा होता तो ये वाली मार्ग वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस जगह में थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें होती है। तो मनसा देवी के रोपवे के पास से ही देख दूसरा पैदल मार्ग है, वो वाला पैदल मार्ग खोल दिया जाता है। देख रहे अभी लोगों की संख्या घाट पर प्रवेश कर रही है, अभी सुबह सुबह है तो लोग अभी घाट पर आएंगे और स्नान करेंगे। जब बारिश तेज होता है तो ऊपर पहाड़ों से ये इस तरह के लकड़ी जलकुंभी वगैरह पूरा बहका जाते हैं, यहाँ पर रेलिंग में फंसे हुए। देख रहे जल की धारा तो काफ़ी तेज है ही है, जो कि आप दिखाई आपको दे रहा है, काफ़ी तेज है जल की धारा, मैक्सिमम गति पे। ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जल में काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी है। ये हम आ चुके हैं शिव ब्रिज के ऊपर, देख रहे हैं शिव ब्रिज है और वाली ब्रिज है धनुष ब्रिज। और माँ गंगा की जल की धारा देख रहे हैं। मौसम अभी भी वही हाल है, काले काले बादल छाए हुए हैं, पहाड़ से धुआं निकल रहा है क्योंकि बारिश हुई है और धूप कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है, इस तरह का है। और यहाँ पे देख रहे हैं माँ गंगा की अपनी तेजी बनी हुई है, काफी अच्छी तेज गति से माँ गंगा बह रही है और ये गति आपको अभी पूरे बरसात में देखने को मिलेगा। लेकिन हरिद्वार की यात्रा में आपको बता दें, हरिद्वार में आपको बाढ़ का दृश्य नहीं देखने को मिलेगा, खासतौर पर इस वाले एरिया में हर की पैड़ी जहाँ पे आते हैं लोग स्नान करने के लिए, गंगा स्नान या कोई भी बड़ा स्नान हो यहाँ पे ही होता है। यहाँ पे जल को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है बहराइश से, तो आप यहाँ पे आए किसी पर कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो अभी जल की धारा देख रहे हैं ये मैक्सिमम गति पे, इससे ज्यादा गति जल की होती नहीं है। और कभी कभी जब इन पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे आता है तो जो सूखी नदी है वो वाली जलधारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी जलधारा उधर बढ़ जाता है, तो ये वाली धारा थोड़ा रोक दिया जाता है ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत है, कोई खतरा का सामना ना करना पड़े। तो आप हरिद्वार पूरी तरह सेफ है, ऋषिकेश में जलधारा बढ़ जाती है लेकिन वहां पे भी आप अगर चाहे तो गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा से सुधारीपूर्वक स्नान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग वहां पे गहरे जल में जाने की कोशिश करते हैं और वहां पे सेफ्टी नहीं के बराबर है। जो सेफ्टी आपको यहाँ मिलेगा हरिद्वार में बेरिया जंजीर दोनों एक साथ, वो वहां पे नहीं मिलता। बस अब पहुंचने वाले हैं हर की पैड़ी में, ये हम आ चुके हैं नीचे शिव ब्रिज को क्रॉस करके, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ घाटों को बंद कर देते हैं जब जल की धारा तेज होती है। देख रहे हैं ये वाली घाट को बंद कर दिया गया है जब जल की धारा कितना तेज है, देख रहे हैं यहाँ पे पूरी टच करते हुए नहीं कर रहा है, ये वाली जो ब्रिज को कोई टच करते हुए नहीं कर रहा है, इसके आने वाली घाटों को बंद कर दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। देख रहे हैं कितनी तेज है, यही वो जो जल की धारा है जो हर की पैड़ी से आ रही है ब्रह्मकुंड से, देख रहे हैं यहाँ जल कैसे टपक रहा है ऊपर से, क्योंकि ऊपर सफाई हो रहा है। चलेंगे अभी नई घाट, फिर पहले ये वाले ब्रिज में जाएंगे भागीरथ सेतु पे। ये हम आ चुके हैं भागीरथ सेतु पे, देख रहे हैं बारिश हुई है और लोग को भी साफ कर रहे हैं उधर, और देख रहे हैं पूरे घाटों का दृश्य, कभी धूप तो कभी छांव है लेकिन मौसम काफी अच्छे है। और 9 बजे के बाद जो भीड़ होगी और जो मौसम होगा वो काफी गर्मी वाला हो जाएगा, भीड़ भी थोड़ा ज्यादा तेज होगा आज क्योंकि अब रविवार आने वाला है, कल शनिवार या फिर रविवार है, रविवार वो भीड़ ऐसा ही नजर आएगा। हरिद्वार की प्लानिंग में करेंगे अभी तो, अब आपको किसी पर कोई दिक्कत नहीं है, रूम होटल वगैरह का कोई परेशानी वाली बात नहीं, भीड़ बहुत कम हो चुका है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है, यही भीड़ रहेगा, देख रहे हैं काफी नॉर्मल भीड़ है, ये भीड़ आप पूरा आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं। चारधाम की यात्रा काफी सारे श्रद्धालु पूछ रहे थे चारधाम यात्रा करे ना करे, लेकिन अभी आप ना करें चारधाम की यात्रा। आप देख रहे हैं जल की धारा यहाँ पे कितनी तेज है, और ये आपको ऊपर पहाड़ों से बारिश हुई है वहां से ही जल आ रहा है बह के, और हरिद्वार में बारिश कम है और देहरादून ऋषिकेश से बारिश थोड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर और भी ज्यादा बारिश है, इस तरह का दृश्य है। तो चारधाम यात्रा भी ना करें, अक्टूबर में करें सबसे बेस्ट समय भी होगा और मौसम भी सही रहता है, तो आप ध्यान रखें अपना और परिवार का, और ऐसी जगह यात्रा भी ना करें जहाँ पे रिस्की हो,